हाय एवरीवन, आई एम संगीता। आज मैं आपको पंजाब की सैर करवाने वाली हूँ विद द रेसिपी ऑफ सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी। ये एकदम इजी रेसिपी है। मुझे भी पहले तो लगा कुछ ट्रेडिशनल जो डिश होती है बनाने में थोड़ा मुझे भी डर लगता है, बट ये मेरी फ्रेंड हरजिंदर से सीखी जो पंजाब से हैं। तो चलते हैं हमारी 100% फुल प्रूफ रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने तो थोड़े से काट के रखे हैं सरसों के पत्ते, बट आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने कैसे काटे हैं। तो मैंने वैसे तो सारे जो नीचे के डंठल हैं वो निकाल दिए हैं, बट जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्ट होता है, तो फिर उनको मैं ऐड करती हूँ अपनी सब्ज़ी में टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ माई सब्ज़ी। अभी उसमें एक मीडियम साइज़ में अनियन भी डालूँगी और उसमें 2 से 2.5 कप लग जाता है पानी, उतना मैंने डाल दिया है। अभी हम उसको हाई वॉल्यूम पे गरम करेंगे और पकाएंगे। एकदम आपके पत्ते सॉफ्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। जब तक ये पक रहा है मैंने साइड में उसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी एक वॉक लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अबाउट 2 to 3 tablespoons ऑयल। अभी इसमें डालूंगी मैं 1/2 teaspoon जितना जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली को मैंने चॉप करके डाला है चॉपर में, तो वो डालेंगे। मैंने 6 से 7 कलियाँ गार्लिक के लिए हैं, 1/2 inch अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं। अभी उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी, मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई, सो मैंने बता दिया है कि इसमें हल्दी डाल दी है। और फिर इसमें मैंने 2 medium-sized टमाटर का पेस्ट डाला है। अभी इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ी देर ढक के कुक करेंगे। तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारी जो सरसों के पत्ते थे वो कुक हो गए हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं वो एकदम सॉफ्ट, इवन डंठल भी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है वो थोड़ा बिटर होता है, तो वो मैं निकाल देती हूँ। तो आपको निकाल देना है और उसको रफली ग्राइंड करना है, पूरा पेस्ट नहीं बना देना है, ठीक है। वो कर दिया है और तब तक हमारी जो ग्रेवी है वो भी पक चुकी है। अभी मैंने उसमें 2 whole red chilies डाली हैं और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी डाली है टेस्ट के लिए। अभी हम सारे मसाले डालेंगे उसमें, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट होना चाहिए, तभी तो उसमें जो मसाले वो अच्छे से भुनेंगे। अभी जो चीज़ें मैंने बताने वाली हूँ आप ध्यान से सुनिए। अब जो मैं जो पेस्ट है रफली ग्राइंड करके रखा था वो अब इसमें ऐड करेंगे। बिटवीन में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट शेयर करें, सबको कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी प्लीज़। और अभी इसमें डालेंगे सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। मैंने तो 1 tablespoon जितना डाल दिया है क्योंकि ये फीकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, और थोड़ी सी स्पाइसी भी रखनी पड़ती है। तो अभी इसमें मैंने डाला है बहुत ढेर सारा प्यार, बटर, तो वो भी हो चुका है। अभी इसको ढक के अच्छे से, इसमें ऑटोमेटिकली इसमें से पानी छूटना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वैसे ही उसमें पानी आ जाएगा, हमको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि अच्छी ग्रेवी, एकदम टेस्टी वाली ग्रेवी बन चुकी है। हमारा सरसों का साग भी रेडी हो चुका है, ये इतना ईजी था। अभी हम मक्के की रोटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो मक्के की रोटी के लिए मैंने मक्के का आटा लिया है और उस 1 cup जितना अभी उसमें कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, ग्रीन चिलीज डाली हैं, नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है फॉर अ कलर, ओके। अभी इसमें 1 cup जितना मैं गरम पानी डालूंगी और इसको 5 minutes के लिए ढक के रख दूंगी कि अच्छे से वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए हमारा जो वाटर है इसमें डाला है। इससे आपकी जो रोटी है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी
और मक्के का आटा ऐसे ही नहीं बेल सकते हैं उसको, तो इसमें थोड़ा सा हमको ग्लूटेन डालने के लिए मैंने हाफ कप जितना गेहूं का आटा मिक्स किया है। गेहूं का आटा भी मिक्स करें थोड़ा सा और अच्छे से उनको मिलाएं, तो ये आपका जो डो है वो रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे उसको बेलते हैं। मैं एक्चुअली बेलन से इसको नहीं बेलने वाली हूँ, मैं इसको हाथों से ही बेलूंगी और एक बढ़िया सी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं कि इसको कैसे बेलना चाहिए। अभी मैंने एक बटर पेपर लिया है, बटर पेपर पे थोड़ा सा, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है ऑयल लगाने की, फिर भी अच्छे से ऑयल लगा लें। और फिर हमने जो मकई का आटा बनाया था उसकी एक पेड़ा लेके उसको ऐसे ऐसे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया आपको, उसका रोटी का शेप देना है जैसे जैसे आप, जितना पतला रखना चाहिए मोटा रखना चाहिए एज़ पर योर विलनेस। ओके, तो फिर ये हो चुका है, अभी हम इसको तवे पे सेकेंगे। इसको ऐसे फ्लिप कर देना है और जो बटर पेपर है वो निकाल देना है। डोंट वरी, वो आराम से निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो फिर अभी उसको एक साइड पका के हम उसको दूसरी साइड भी पकाएंगे। और प्लीज़ बताइए आपको ये जो मैंने मक्की की रोटी बटर पेपर पे बनाई है वो आपको कैसी ट्रिक अच्छी लगी या बुरी लगी, या आपको ऑलरेडी पता थी ये, तो प्लीज़ वो कमेंट करें। मुझे भी पता पड़ेगा कि मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें प्लीज़। ओके, ये हमारी रोटी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अभी मैं इसमें एक साइड हाफ टी स्पून जितना देसी घी लगाएंगे। हाफ टी स्पून क्या, 1 टेबल स्पून जितना डाल दीजिए, देसी घी है यार, पंजाब की रेसिपी में देसी घी नहीं। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अच्छा है आपने जितना भी ज़्यादा घी डाला है, तो जितना हो सके इतना इसको हेल्दियर वे में बनाइए। और हमारी टेस्टी सरसों का साग और मक्की की रोटी रेडी है, बहुत इजी है। प्लीज़ आप अपने घर पे बना के देखिए, इस विंटर के सीज़न में लोहड़ी की सीज़न भी आ रही है, तो प्लीज़ आप ये बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट में भी बताइए आपको कौन सी नेक्स्ट रेसिपी चाहिए तो मैं बनाऊँ।